क्या आप लोगों को पता है कि हम इंसानों की जो सबसे बड़ी गलत फहमी होती है वो क्या होती है? नहीं पता ना, तो मैं हूँ ना, मैं बता रही हूँ। हम इंसानों की जो सबसे बड़ी गलत फहमी होती है ना, वो ये है कि हमें लगता है कि हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा है ना? सही कहा ना, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ये वक्त गुजर जाता है ना, तभी हमें इसकी वैल्यू का अंदाज़ा होता है। बचपन में क्या मतलब जवानी में हर टाइम जो हमारे बड़े होते हैं ना, वो हम लोगों को यही ताकीद करते हैं कि बेटा वक्त की कदर कर लो, वक्त गुजर जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम हैं कि बच्चियाँ पटाने में लगे हुए और हमें वक्त की बिल्कुल भी कदर नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम लोग वक्त की सही से कदर नहीं करेंगे ना, तो वक्त हम लोगों की कदर नहीं करेगा। टाइम के लिए अक्सर कहा जाता है कि यू कैन नॉट कीप इट बट यू कैन यूज इट। फ्रेंड्स, ये जो टाइम होता है ये मिलता है तो आपको फ्री में है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो कोई भी अदा नहीं कर सकता। दोस्तों, दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सिखाती हैं, एक टाइम और एक टीचर। टीचर भाई साहब जो होते हैं वो हम लोगों को पहले सिखाते हैं और बाद में एग्जाम लेते हैं, लेकिन जो वक्त है वो पहले हमारा एग्ज़ाम लेता है और बाद में हम लोग उससे कुछ सीखते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन आवर लाइफ्स। तो इसी के साथ साथ मेरा भी जाने का टाइम हो गया है और मैं चलती हूँ। मैंने तो अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ कर दिया आपको थोड़ा बहुत ज्ञान देकर। लेट्स सी कि आप लोग अपना टाइम किस तरह से यूटिलाइज़ करते हो।